हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो अगर आपने अभी तक ड्रामा के बाकी के दो पार्ट नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उसे देख लीजिए। सो लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। दरअसल इसकी शुरुआत फिर से शाओ वेई से होती है। यहाँ पर वो वुयान से कहती है कि उसे भी म्यूज़िक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, वो काफ़ी अच्छा गा भी सकती है। इसका वुयान कहती है कि ये सब मुझसे कहने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें ना मिस्टर सू से बात करनी चाहिए। तो वो कहती है कि वो कैसे बात करे। इसके बाद वुयान कहती है कि मैं उन्हें फ़ोन लगाती हूँ, बट बात तुम करना। इसके बाद शाओवी कहती है कि ठीक है। इसके बाद वो मिस्टर शू से कहती है कि प्लीज़ आप मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं काफ़ी अच्छा गा सकती हूँ। तो मिस्टर शू कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारा इतना मन ही है तो ओके, एक बार ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद मिस्टर सू सभी बच्चों का ऑडिशन लेते हैं। यहाँ पर सभी बच्चों ने काफ़ी अच्छे से गाकर सुनाते हैं एंड सभी पर मिस्टर सू का बस एक ही जवाब रहता है कि नॉट बैड, बस तुम लोगों को थोड़ा इम्प्रूव करने का टाइम है। इसके साथ साथ वो सभी बच्चों के सर पर बड़े प्यार से हाथ फेरते हैं। इसके बाद वो यान भी लाइन में बैठ जाती है। उसे लगता है शायद मिस्टर सू उसके सर पर भी गलती से हाथ फेर ही दें। इसके बाद वो भी बच्चों की आवाज़ निकाल कर थोड़ा सा गाकर सुनाती है, बट मिस्टर सू समझ जाते हैं और कहते हैं कि नॉट बैड, पहले से अच्छा था। इसके बाद वो यान देखती है कि मिस्टर सू ने उसके सिर पे हाथ नहीं फेरा। इसके बाद वो जबरदस्ती उनका हाथ पकड़ती है, अपने सर पर फेरने लगती है और कहती है कि मैंने अच्छा किया ना, तो मुझे भी उसका कॉम्प्लीमेंट तो मिलना ही चाहिए। इसका मिस्टर सू कहते हैं कि अब बच्चों की तरह एक्ट करना बंद कर लो, तो ये सब छोटे बच्चे हैं, क्या असर पड़ेगा इन पर। इसके बाद जब मिस्टर सू और वो यान बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर मिस्टर सू के पास अम्ब्रेला नहीं था, हेल्प ऑफर करती है। तो मिस्टर सू कहते हैं कि इट्स ओके, जब मेरी सिक्योरिटी मुझे लेने के लिए आएगी तो मैं चला जाऊँगा। इसके बाद वो यान कहती है कि अब ये ऐसे तो मानने वाले हैं नहीं। उसका तो कहती है कि कोई बात नहीं, हम कन्वीनियंस स्टोर चलते हैं, वहाँ से आपके लिए नया अम्ब्रेला लेते हैं, वो बात ठीक रहेगी, है ना। इसके बाद मिस्टर सू उसके लिए मान जाते हैं, अम्ब्रेला लेने जाते हैं और काफ़ी टाइम तक उनकी सिक्योरिटी आती नहीं है। इसके बाद वो यान उनके साथ बैठकर कॉफ़ी भी पी लेती है। जब उनकी सिक्योरिटी आती है तो मिस्टर सू को वहाँ से जाना पड़ता है, लेकिन वुयान को तो लग रहा था क्या पता इनकी यहाँ सिक्योरिटी आई ना, तो अभी मेरे साथ ही रुकेंगे। उसके बाद हम शान को देखते हैं जो कि म्यूज़ियम के बाहर काफ़ी सैड बैठी होती है। इसके बाद वुयान को मैसेज करती है कि वो यहाँ पर म्यूज़ियम के बाहर है, क्या उसे लेने के लिए आएगी। वुयान तो नहीं आती है, लेकिन यहाँ पर वेहाव ज़रूर आ जाता है। उसे देखकर शान के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी छा जाती है एंड हमें यहाँ से पता चलता है कि शायद आगे जाकर इन दोनों की लव स्टोरी भी स्टार्ट हो ही जाएगी। आफ्टर दैट जब वे हाओ श्यान को उसके हॉस्टल के बाहर छोड़ता है, इसके बाद उसका पीछा करने लगता है, तभी यहाँ पर श्यान कहती है कि हाँ भाई आजा, तू भी मेरे साथ हॉस्टल ही चल। तभी यहाँ पर वे हाओ कहता है कि नहीं, वो तो बस उसे बाय बाय बोलने के लिए उसके पीछे पीछे आ रहा था, बट नहीं उसे हॉस्टल में नहीं आना, सॉरी वो मैं गलती से ही आ रहा था। इसके बाद श्यान कहती है कि तो ठीक है, तुमने मुझे छोड़ दिया, अब जाओ ना, बाय बाय। इसके बाद वे हाओ वहाँ से चला जाता है। शान को उसकी मॉम का फ़ोन आता है, शान समझ जाती है कि उसकी मॉम उसको क्यों बुला रही है। इसके बाद वो अंदर जाती है तो उसकी मॉम उसके हॉस्टल के बाहर खड़ी होती है। यहाँ पर शान कहती है कि क्या आपको फिर से पैसे चाहिए, और हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर माँ बेटी का बॉन्ड कैसा है। और यहाँ पर उसकी मॉम भी इतनी ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल लेडी हैं कि वो कह देती हैं कि हाँ उन्हें पैसे चाहिए, मतलब अपनी बेटी से कोई पैसे मांगता है। इसके बाद शान कहती है कि ठीक है, वो अपने बैंक अकाउंट में से जितने भी सारे पैसे रहते हैं वो सारे अपनी मॉम को ट्रांसफ़र कर देती है और कहती है कि मेरे पास इतने ही थे, सो प्लीज़ जब आपको पैसों की ज़रूरत हो तो मुझसे बोल दीजिए, प्लीज़ ग्रैंड माँ का ख्याल रखिएगा। एंड समझ सकते हैं कि शायद अपनी ग्रैंड माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बट उसकी मॉम उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती। इसके बाद हम शाओवी को देखते हैं। यहाँ पर एक कपल उसे अडॉप्ट करने के लिए आए थे। इसके बाद मिस्टर सू और वो यान कपल से मिलने के लिए जाते हैं, बट शाओवी उनके साथ जाने को तैयार नहीं थी और वो कहती है कि वो नहीं जाएगी, उसे ये सब पसंद नहीं है। इसके बाद मिस्टर सू भी देखते हैं कि शाओवी इसमें खुश नहीं है, तो उसे जाने के लिए कहना तो अच्छी बात नहीं होगी। आफ्टर दैट मिस्टर सू की सिक्योरिटी भी उसे बताती है कि क्या वो वुयान को पसंद तो नहीं करने लगे। यहाँ पर मिस्टर सू इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते और कहते हैं कि पसंद नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरी कलीग है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आफ्टर ऑल दैट हम वुयान को देखते हैं जो कि शाओवी को घुमाने के लिए ले जाते हैं, साथ साथ में मिस्टर सू को भी इन्वाइट करती है। शाओवी के लिए मिस्टर सू आ ही जाते हैं और उसके बाद वुयान बताती है कि ये प्लेस काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड है, तो आपको मेरा हाथ पकड़ के चलना चाहिए। इसके बाद मिस्टर सू उसका काफ़ी अजीब तरीके से उसकी शर्ट पकड़ लेते हैं, तभी वुयान कहती है कि ऐसे हाथ थोड़ी पकड़ा जाता है। इसके बाद वो काफ़ी जेंटली उनका हाथ पकड़ कर वहाँ से जाने लगती है, पर ये सब मूवमेंट मिस्टर सू को
बटरफ्लाइज देने के लिए तो काफ़ी है। इसके बाद ये सब काफ़ी घूमते हैं। जब वो यान को मौका मिलता है तो सोचती है कि वो मिस्टर सू के काफ़ी करीब जाकर उन्हें किस तो कर ही सकती है। या मिस्टर सू कहते हैं कि एक मिनट, शायद फर्स्ट जो स्टेप है वो हमेशा लड़कों की तरफ से होता है, पर तुम पहले ही मुझे किस करने की कोशिश कर रही हो। तभी वो यान कहती है कि आपको सच में दिखता है क्या? तभी मिस्टर सू कहते हैं कि नहीं, बट मेरे पास सिक्स सेंस है एंड मुझे ये समझ में आ जाता है कि कौन मेरे कितने करीब है। तब वो यान कहती है कि नहीं, वो तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी, बस आपको थोड़ा करीब से देखना चाहती थी। तब मिस्टर सू को देखते हैं जो कि वो यान के ख्यालों में इतने खोए हुए थे कि वो आज पहली बार अपने पियानो को गलत तरीके से बजाने लगते हैं। तभी उनकी सिक्योरिटी उन्हें बताती है कि क्या तुम बीमार हो? तभी वो कहता है कि नहीं, मैं क्यों बीमार हूँगा। तभी वो कहती है कि तुमने पहली बार पियानो बजाने मिस्टेक की, क्या मैंने गलत सुना या फिर तुमने सच में मिस्टेक की? तभी मिस्टर शू कहते हैं कि आई एम सॉरी, गलती से हो गया होगा, बट मुझे भी नहीं पता। मिस्टर शू पूरे स्कूल में परमानेंट टीचर तो थे नहीं, वो सिर्फ टेम्पररली बच्चों को पढ़ाने के लिए आए थे, क्योंकि जो टीचर जेंग हैं वो अभी छुट्टी पर थे। लेकिन टीचर जेंग के आने पर मिस्टर शू को अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है, लेकिन वो बच्चों से काफ़ी अटैच्ड हो गए थे, वो ये सब छोड़ना नहीं चाहते थे, बट अब तो उन्हें जाना ही पड़ेगा। इसके बाद वो यान भी दो दिन से ऑफिस नहीं आ रही थी, उन्हें उसे पता भी नहीं था कि मिस्टर शू दरअसल स्कूल छोड़ कर जाने वाले हैं। यहाँ पर जिस दिन मिस्टर शू की लास्ट क्लास होती है तो सभी बच्चे उन्हें काफ़ी अच्छे से ग्रीट करते हैं और सभी उनके जाने पर काफ़ी दुखी भी होते हैं, क्योंकि मिस्टर सू का बच्चों से कुछ अलग ही अट्रैक्शन था। एंड ये सब सीन मुझे अपनी 12th क्लास के द लास्ट लेसन चैप्टर की याद दिलाता है। अगर आप में से कोई 12th क्लास पास करके आया है तो शायद किसी को याद होगा, पर छोड़ो यार, पढ़ाई क्यों जोड़े हम ड्रामा से। जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ पर सारे टीचर भी उनसे फेयरवेल मनाने के लिए आते हैं और यहाँ पर शाओ भाई अलग से मिस्टर शू से बात करने के लिए आती है और कहती है कि मिस्टर शू प्लीज़ मुझे कभी कभी विजिट करने के लिए आया करिए। तभी मिस्टर शू कहते हैं कि क्यों नहीं, मैं तुम्हें विजिट करने के लिए ज़रूर आऊँगा। हम यहाँ पर वुयान को देखते हैं जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड शान के साथ लिफ्ट में फंस जाती है। एंड यहाँ पर ये दोनों काफ़ी सारी बातें करती हैं और इन दोनों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सभी क्लियर हो ही जाती हैं। यहाँ पर शान कहती है कि वो केस, तभी वुयान कहती है कि डोंट मैंशन इट, तुम्हें मैंशन करने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं वो सबको भूल चुकी हूँ एंड इट्स ओके यार, मुझे लगता है तुम दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी जमेगी। तभी शान कहती है कि इट्स रबिश। वो यान जब अगले दिन स्कूल आती है तो वो देखती है कि मिस्टर शू की सीट खाली है। तभी वो टीचर से पूछती है कि मिस्टर शू कहाँ पर हैं। तभी वो उन्हें बताते हैं कि मिस्टर शू तो यहाँ से चले गए क्योंकि मिस्टर जेंग वापस आ चुके हैं। तभी शान कहती है कि क्या? तभी वो कहते हैं कि हाँ, तुम दो दिन से स्कूल नहीं आई ना, एंड ये तुम्हारा बैड लक है कि तुम उन्हें लास्ट टाइम बाय भी नहीं बोल सके, बट इट्स ओके, वो लास्ट टाइम जाते जाते तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, बट मैंने कह दिया कि तुम आज आई ही नहीं। तभी हम शान को देखते हैं जो कि रेडियो स्टेशन से निकलने के बाद काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही थी। इसके बाद वही हाउस के पास आकर बैठता है। तभी शान उसे बताते हैं कि अब उसे लगने लगा है कि रेडियो स्टेशन में उसका कोई फ्यूचर है ही नहीं, पता नहीं अब वो क्या करेगी अपनी ज़िंदगी में, बट शायद उसका इसमें कोई भी आगे फ्यूचर उसे नहीं दिख रहा। तब वियाओ कहता है कि अच्छे ठंडे दिमाग से सोचो, शायद कुछ दिख जाए। यहीं पर हम अगर वुयान को देखें तो उसका थोड़ी अब स्कूल में मन लगने वाला था, उसे अब स्कूल में पढ़ाने में घंटा भी इंटरेस्ट नहीं था, पर वो यहाँ पर शाओ के साथ अपना काफ़ी टाइम स्पेंड करती है। और यहाँ पर मिस्टर शू भी किसी की यादों में खोए हुए, मतलब ऐसा ही कुछ माहौल उनके दिल में चल रहा था और ये सारी बात उनकी सिक्योरिटी काफ़ी अच्छे से समझ रही थी। वो उन्हें बार बार टोंट मारती है कि आप ये मान क्यों नहीं लेते कि आप वुयान को पसंद करते हैं। तभी मिस्टर शू कहते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर वो यान शान को दरअसल एक बार में काम करते हुए देखती है। इसके बाद अपने सारे फ्रेंड्स को वहाँ पर इनवाइट करती है। वो पहले से काफ़ी ड्रंक थी। इसके बाद शान आकर यहाँ पर सबको गाना सुनाती है, तो हम देख सकते हैं कि शान की वोकल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वो पहले म्यूज़िक बैंड में मेन वोकलिस्ट की तरह काम करती थी, पर उसने बैंड छोड़ दिया। इसके बाद शान डिसाइड करती है कि वो वापस से बैंड ज्वाइन कर लेगी, बिकॉज शायद इसी में उसका फ्यूचर हो। अगले दिन वो रेडियो स्टेशन से काम छोड़ कर जाने लगती है। तभी यहाँ पर वो यान को बताती है कि उसका फ्यूचर शायद उसे रेडियो स्टेशन में दिखता ही नहीं है, इसलिए अब वो कुछ नया करने के लिए जा रही है। एंड वो उससे कहती है कि अब हम ग्रेजुएट होने वाले हैं और अब हमें रियल लाइफ को फेस करना पड़ेगा, अब हम इमेजिनेशन में नहीं जी सकते, इसलिए मुझे कुछ बड़ा करना है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो यान, आई होप तुम समझोगी। तभी वो यान कहती है कि हाँ, बट शायद नहीं समझ पाऊंगी। वो उसे बताती है कि उसका रेडियो स्टेशन में इंटरेस्ट इसलिए आया क्योंकि शान ये काम करती थी, उसे लगा शान बहुत ज़्यादा कूल है इसलिए उसने ये सब ज्वाइन कर लिया, बट अब तुम जा रही हो, मुझे पता नहीं कि अब मैं क्या करूँगी।
यहीं पे हम वुयान को देखते हैं जिसकी अचानक से तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। नशे सू भी उसे फ़ोन करने की कोशिश करते हैं बट वुयान का कॉल नहीं आया, इसलिए उन्हें थोड़ा थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है। इसके चक्कर में अपना मोबाइल फेंक कर मार देते हैं। लेकिन जब वुयान उन्हें फ़ोन लगाती है तो वुयान के लिए काफ़ी परेशान होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। वुयान उन्हें बताती है कि वो थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रही। इसके बाद मिस्टर सू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम जल्दी बताओ कि तुम कहाँ पर रहती हो। तभी वुयान कहती है कि इट्स ओके, वो ठीक है, इतना ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। पर मिस्टर सू कहाँ आने वाले थे। इसके बाद वो जल्दी से उसके एड्रेस पर पहुँचते हैं एंड यहाँ पर वो यार उनके कंधे पर ही बेहोश हो जाती है। इसके बाद मिस्टर सू उसे लेकर उसके बेड तक आते हैं बट वुयान की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी तो उन्हें हॉस्पिटल जाना होता है। इसके बाद मिस्टर सू वुयान को उठाकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं बट सीढ़ियों से जाते टाइम उनका पैर फिसल जाता है। बट वो वुयान को बचा लेते हैं और दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि आर यू ओके। तभी यहाँ पर दोनों कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है। हॉस्पिटल में भी मिस्टर सू वुयान का काफ़ी ख्याल रखते हैं, उसे उठाकर ही अपने साथ अपने घर पर ले आते हैं। साथ साथ में अपनी सेक्रेटरी को फ़ोन करते हैं कि अब से कुछ दिनों तक मेरे घर पर मत आना, थैंक यू। यहाँ पर उसकी सेक्रेटरी कहती है कि ओके, अगर तुम्हें नहीं बुलाना तो कोई बात नहीं। शान को देखें तो फिर से अपना बैंड ज्वाइन कर लेती है एंड यहाँ पर उसके सारे मेंबर्स भी उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तभी वो कहती है कि मैं फिर से रिज्वाइन करना चाहती हूँ। तभी उसके सारे मेंबर्स कहते हैं कि इसी दिन का हम कब से वेट कर रहे थे पागल, अब जल्दी से अपनी पोजिशन लो एंड हमें दरअसल एक प्रोग्राम भी करना है। यहीं पर मिस्टर सू को देखें तो यहाँ पर वो यान का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखते हैं। तभी वो यान उनके घर को देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है, कहती है कि सच में बहुत ज़्यादा रिच है। इसके बाद वो सारा घर घूमने लगती है बट उसकी हालत काफ़ी अच्छी तो नहीं रहती, वो वहीं पर कुर्सी पर सो जाती है। इसके बाद मिस्टर सू रात में आकर उसे कंबल देते हैं। जब वो यान सुबह उठती है तो मिस्टर सू ने पहले से ही ब्रेकफास्ट बनाया हुआ था, इसके बाद उसे ब्रेकफास्ट देते हैं। जब वो यान उनका हाथ देखती है, उनका हाथ सच में जल गया था। उनका हाथ ही नहीं, उनके हाथ में काफ़ी सारे जले हुए निशान थे बिकॉज उन्होंने वो यान के लिए खाना जो बनाया था। इसके बाद वो यान उनके किचन में देखती है तो वहाँ पर एलोवेरा लगा हुआ था। तभी वो कहती है कि आप अपने घर में एलोवेरा रखते हैं। तभी हम याद करें तो ये सब नुस्खा दरअसल वुयान ने ही उन्हें बताया था कि एलोवेरा लगाने से जले हुए दाग एंड कोई भी चोट लग जाए तो ठीक हो सकती है। एंड इसी के चक्कर में मिस्टर सू ने अपने घर में एक बड़ा सा पेड़ ही लगा लिया एलोवेरा का। वुयान और मिस्टर सू की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी तो चली रही थी। इसके बाद जब मिस्टर सू को रात में फिर से वही अपने बचपन वाला सपना आता है तो डर कर जाग जाते हैं। तभी वुयान घर पर आती है एंड यहाँ पर वो लाइट चलाती है, मिस्टर सू को काफ़ी पास से देखने लगती है। तभी मिस्टर सू भी जाग जाते हैं। यहाँ पर वुयान उन्हें जल्दी से किस कर लेती है और कहती है कि मैं इतना अच्छा मौका कैसे जाने दूँ, और कहती है कि आप ही ने कहा था ना कि लड़कियाँ फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं करती, बट मैंने इस सारे सिस्टम को बदल दिया। इसके बाद वो यहाँ पर मिस्टर सू को दोबारा किस कहती है तो मिस्टर सू भी बदले मुझसे किस कर दें और इसी के बाद इन दोनों की हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग हो जाती है और ये दोनों एक साथ बैठी होते हैं। तभी यहाँ पर मिस्टर सू की सिक्योरिटी की एंट्री होती है। तभी यहाँ पर जब उन्हें वुयान देखती है तो जल्दी से वहाँ से जाने लगती है। इसके बाद मिस्टर सू उसे जाने नहीं देते बट वुयान कहती है कि उसे थोड़ा काम है तो उसे जाना चाहिए। मिस्टर सू की सिक्योरिटी कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे लगा आपको मेरी ज़रूरत होगी इसलिए मैं आई, मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब कर दिया क्या। तो ये कहती है कि ठीक है मैं यहाँ का स्टोर रूम साफ करवा देती हूँ वुयान के लिए, बट आई एम रियली सॉरी कि मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब किया। तो मिस्टर सू कहते हैं कि इट्स ओके बट तुम अब ज़्यादा सॉरी मत बोलो। और इसी के साथ हमारे इस पार्ट की यहीं पर एंडिंग होती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। सो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। एंड एक और बात, हाँ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस।